हेलो गाइस, आज जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह का नाम मातृगुंडिया है, जो कि जिला चित्तौड़गढ़ में आया हुआ है। राशमी गांव से ये जगह थोड़ी दूर है। यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ एक बांध आया हुआ है जिसे मातृगुंडिया बांध के नाम से जाना जाता है। क्या है, कैसा बना हुआ है मातृगुंडिया का बांध, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको मातृगुंडिया बांध के बारे में और उससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। पूरा इतिहास अपने में छोटे से वीडियो में समेटा हुआ है। तो दोस्तों, ये कच्चा रास्ता हमने चुना है जो हमें अपनी मंजिल मातृगुंडिया बांध की तरफ लेके जाएगा। कंटीली झाड़ियाँ और उबड़ खाबड़ रास्ते, यही रास्ता है जो मातृगुंडिया बांध की तरफ हमें लेके जाएगा। तो दोस्तों, ये यहाँ का सड़क का नज़ारा है, देख सकते हैं आप, काफ़ी दुर्गम रास्ते हैं। सिर्फ मिट्टी डालकर, मिट्टी को दबाकर ये रोड अभी बनाया गया है, जो कि स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो मातृगुंडिया बांध की तरफ हम चल पड़े हैं और कुछ ही क्षणों में आपके सामने मातृगुंडिया बांध का एक बहुत ही मनमोहक नज़ारा आने वाला है। ये यहाँ से हमने टर्न लिया और अब हम मातृगुंडिया बांध की तरफ चल पड़े हैं। दोस्तों, ये यहाँ का मनमोहक, दिल को छूने वाला नज़ारा है मातृगुंडिया बांध। मातृगुंडिया बांध की अगर मैं आपको बात बताऊँ इतिहास के बारे में, तो 1980 के अंदर ये बनकर तैयार हुआ था। और इसको जब बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी, इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि भीलवाड़ा ज़िले की स्थायी प्यास को बुझाने के लिए, शांत करने के लिए, तृप्त करने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया। चित्तौड़गढ़ ज़िले में बना हुआ है ये बांध, मातृगुंडिया जगह पर, और राशमी तहसील लगती है इसकी। इस बांध से इन गांवों की प्यास बुझती हैं, जिनमें कारोई, हमीरगढ़, हुड़ा, रूपाहेली, जहाजपुरा, पारोली, कोठड़ी, मांडल, बागोर, करेड़ा, मांडलगढ़, काछोला, रायपुर, मोखुंदा, सहाड़ा, सहापुरा, फुलिया, बिजोलिया जैसे छोटे बड़े कहीं गांव यहां पर हैं जिनकी प्यास यही बांध बुझाता है। और इस बांध के नीचे जो नदी बहती है उसका नाम बनास नदी है। राजसमंद जिले में जब बारिश तेज होती है तो यहाँ का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और ये बांध पूरा भर जाता है। 27.5 फीट इसकी कुल भराव क्षमता है। और इस बांध की क्षमता यह मैंने आपको बता दी है, लेकिन इस बांध के 52 गेट, जब यहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो पानी का जल स्तर इतना तेज होता है कि इस क्षेत्र के अंदर जो छोटे बड़े कहीं गांव हैं, कहीं छोटे बड़े मंदिर हैं, वो सब डूब जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है ये बांध और इस बांध से निकलने वाली नदी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मातृगुंडिया से भी एक कहानी जुड़ी हुई है कि 6 किलोमीटर दूर झाड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ परशुराम जी के पिता का एक आश्रम था जहाँ वो अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहा करते थे। किसी कारणवश परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया था और मोक्ष के लिए मुक्ति प्राप्त की। ये कुछ पौराणिक किंवदंती भी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो आज का ये हमारा मातृगुंडिया बांध है, जिसके बारे में कहीं बातें जुड़ी हुई हैं, जिसको मैं आपको बताता चलता हूँ और आपको नज़ारा भी दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, कि मातृगुंडिया का बांध जब पूरा भर जाता है तब कैसा लगता होगा यहाँ का नज़ारा। ये कुल विवरण मातृगुंडिया बांध जिला चित्तौड़गढ़ का, भराव क्षमता कितनी है, कितना TMC पानी छोड़ा जाता है, कितना आता है। दोस्तों, देखिए आप, ये पूरा नदी का पूरा एरिया है जिसके अंदर बनास नदी का पानी इकट्ठा होता है। और जब पूरा ये बांध पानी से लबरेज हो जाता है, भर जाता है, तब इसके 52 गेटों को आवश्यकता के अनुसार खोला जाता है। तो ये यहाँ का आज मातृगुंडिया बांध का
नज़ारा था जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है दोस्तों। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ के नज़ारे हैं जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाए हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और देश विदेश के कहीं ऐतिहासिक जगहों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य जगह पर। तो यह था मातृकुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार।